बीजेपी में ये जो कुछ दोगले प्रकार के नेता घुस गए हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो सपा में पूर्व विधायक रह चुके हैं। क्योंकि युवाओं को रोजगार देने का कार्य योगी सरकार ने किया है, योगी सरकार निकम्मी सरकार है। जातिवाद करके इनके ऊपर हरजन एक्ट लगवा दो, उनके ऊपर हरजन एक्ट लगवा दो। राशन दे रही है गवर्नमेंट, दो दो बार दे रही है, एक बार खाओ एक बार मौज मनाओ। अगर हिंदू ना जगे तो वो हिंदू नहीं है साला, कलंक है हिंदू के नाम पे। इस समय आर एक्सप्रेस का कारवा रायबरेली जिले के बछड़ाव विधानसभा में मौजूद है और रास्ते जा रहा था, देखा एक टूर्नामेंट है जहां पे कारवा रुका और वहां पे कुछ युवा हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव में वह अपने क्षेत्र का विधायक किसे चुनेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? आशीष सिंह। देखा जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन सा किसे आप विधायक बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से होगा या फिर जो समझौता हुआ अपना दल या कांग्रेस का या फिर समाजवादी पार्टी से? कौन विधायक तो यहाँ पे बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन बीजेपी में ये जो कुछ दोगले प्रकार के नेता घुस गए हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो सपा में पूर्व विधायक रह चुके हैं। ये जो दलालों का खेल इन्होंने बहुत पहले से खेला था, सिर्फ इनके वजह से बीजेपी जो ये गठबंधन करके ये सोच रही है कि यहाँ से मेरी वोट बैंकिंग बढ़ी है तो यहाँ से उनकी वोट बैंकिंग सिर्फ इसी कारण से घट चुकी है, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि ये सिर्फ वो विधायक थे जो सिर्फ अपने लोगों का सुनते हैं, ना कि जनता का। जो दबंग टाइप के आदमी हैं, जितनी दबंगई थी सिर्फ उसी सपा सरकार में थी और इसी तरह के विधायकों की सपोर्ट से वो दबंगई होती थी। तो इसलिए यहाँ पे ये जो गठबंधन हुआ है इससे हम बहुत नाखुश हैं, लेकिन मेरा सपोर्ट हमेशा बीजेपी को रहा है और मैं खुला बीजेपी को सपोर्ट करूँगा और अपने यहाँ से लक्ष्मीकांत रावत जी को विधायक बनाऊँगा, कप प्लेट पे वोट करूँगा। अच्छा, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से इतनी नाराज़गी काहे ले रहे? क्योंकि ये इनमें जो विधायक यहाँ पे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर भी अभी भी बता रहा हूँ, इनका सिर्फ काम ही यही था कि जातिवाद करके इनके ऊपर हरजन एक्ट लगवा दो, उनके ऊपर हरजन एक्ट लगवा दो। अभी 20 दिन हुए हमारे ऊपर, खुद स्वयं बैठ के थाने के अंदर हरजन एक्ट लिखवाया गया है, तो मैं इनसे कैसे खुश रहूँगा आप मुझे बताइए? नहीं खुश रह सकता ना। मैं बीजेपी का पूर्णतः सपोर्ट करता हूँ शुरू से अभी तक और जीवन पर्यंत करूँगा, क्योंकि मुझे योगी जी मोदी जी जैसा कभी मिलेगा ही नहीं, कोई भी, ना प्रधानमंत्री मिलेगा ना मुख्यमंत्री मिलेगा। उन्होंने हिंदुओं को जगाने का काम किया है और उसके बावजूद भी अगर हिंदू ना जगे तो वो हिंदू नहीं है साला, कलंक है हिंदू के नाम पे। मैं ये कहता हूँ, मैं हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करूँगा। जय योगी, जय मोदी, जय श्री राम, बस एक ही नारा है। क्या नाम है आपका? रोहित। इस बार किसे अपना विधायक बना रहा है? बीजेपी को, लक्ष्मीकांत रावत को। सपा से और कांग्रेस से नाराज़ी? अरे अपनी अपनी पसंद है, बीजेपी से ही बनाएंगे। भाई साहब क्या नाम है? हम साथ। क्या लग रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में इस बार कौन सा विधायक चुन रहा है, क्योंकि देखा जाए समाजवादी से भी है, अपना दल से भी है और कांग्रेस से भी, किस है? बीजेपी है, बनेगा और क्या बनेगा। मुद्दों को लेकर क्या आप अपना मतदान करेंगे? अब क्या, जब सब सारी जनता जब जोड़ रहे हैं बीजेपी के यहाँ, तो हम भी जोड़ रहे हैं बीजेपी। युवा भी इनसे हम जानते, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के आप अपने विधायक को चुनेंगे? शिक्षा रहेगी और जैसे जो रोजगार नहीं मिला युवाओं को, इस मुद्दे पे बात रहेगी, क्योंकि युवाओं को रोजगार देने का कार्य योगी सरकार ने किया है, योगी सरकार निकम्मी सरकार है, कोई भी काम नहीं किया 5 साल में, कोई भी एक जैसे कोई विकास का काम नहीं किया गया योगी सरकार में। और हम लोग यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्याम सुंदर भारती जी को अब की बार विधायक बनाएंगे। अच्छा, कांग्रेस के विधायक जो प्रत्याशी हैं उनका सुनने में आ रहा है एक वायरल वीडियो है, उसके बारे में कुछ जानकारी तो नहीं है? अच्छा, बीजेपी से नाराजगी काहे की है? क्योंकि वो काम नहीं किया, इसके पहले बीजेपी का हम लोगों ने वोट दिया है तो राम नरेश रावत जी जो कि बाराबंकी के हैं, उन्होंने वो यहाँ तक आए भी नहीं क्षेत्र में और जीत के चले गए। हम लोग उनको वोट दिए और वो क्षेत्र में कभी भी नहीं आए, कोई विकास का काम नहीं किया है, और ये अपने क्षेत्रीय नेता श्याम सुंदर भारती जी, अब की बार हम लोग इनको वोट देंगे और ये हमारा विकास करेंगे हमारे बगल के क्षेत्र। जब बाकी नहीं, हम विकास के नाम पर वोट ही नहीं देंगे, ठीक है, रात भर सांड और गाय भैंस खेदेंगे, लेकिन हम वोट योगी जी को ही देंगे, राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे, ठीक है। हमें मतलब नहीं कि कौन विधायक बन रहा है कौन नहीं बन रहा, हम योगी जी के नाम से वोट दे रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो मैं ये बताना चाहता हूँ,
जो कह रहा है कि बीजेपी सरकार में विकास नहीं हुआ है, मैं उनसे एक कार्य ऐसा पूछना चाहता हूं कि जो कार्य बीजेपी सरकार में ना हुआ हो, एक कार्य बता दीजिए जो बीजेपी सरकार में ना हुआ। क्या काम हुआ है बीजेपी सरकार में? क्या काम हुआ आप बताइए, बीजेपी सरकार में कौन सा काम मामला रहा हो? वो अस्पताल बिठा के राशन दे रही है गवर्नमेंट, दो दो बार दे रही है, एक बार खाओ एक बार मौज मनाओ, ठीक है, सब्जी ले आओ। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई आप देख सकते हैं, इतनी महंगाई है, लोग यहाँ केवल राशन के भरोसे थोड़ी जिएंगे, आदमी राशन के भरोसे। कौन सा काम नहीं हुआ है बीजेपी सरकार में, कोई एक काम बता दीजिए, जितनी भी जनता है मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कोई एक काम बता दे जो बीजेपी सरकार में ना हुआ हो, कोई बता दे एक। हाँ, कौन सा काम करना चाहते हैं, कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम हुआ आप बताए, कौन सा काम हुआ है बीजेपी सरकार में, कौन सा काम हुआ है? सबसे ज्यादा आवास दिया गया योगी सरकार में, सबसे ज्यादा। जो ये जानवरों को लेकर लोग बोल रहे हैं, ये जानवर योगी मोदी ने खोले हैं, खोले तो हम ही लोगों ने है ना, जब खोलोगे तो झेलोगे, कौन आएगा वहाँ से? योगी मोदी आएंगे खेतने उसको, कौन आएगा? क्या कहेंगे इन लोगों का जो आरोप, क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे, कौन से स्कूल में पढ़े हो आप? हम तो सरकारी में पढ़े हैं तो इसलिए हमें कुछ नहीं आता, अपने बच्चों को किस हमें ये पूछना, लोग रोजगार मांग रहे हैं, मैं ये पूछना, खुद में काबिलियत है नहीं, खुद में काबिलियत है नहीं, रोजगार मांग रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हो? पांचवी तक पढ़े हो? और सपा गवर्नमेंट में हमारा एक नंबर से यूपी पुलिस में रुका हुआ है, एक नंबर से, शैलेंद्र सिंह नाम है, जनई में रहते हैं, एक नंबर से रुका हुआ है। और उसके बाद हम में काबिलता थी, हम काबिल थे, एमएनसी में जॉब करते हैं हमको। मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते? छोटी वर्ग के ही लोग पढ़ाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो छोटी वर्ग स्कूल को पढ़ाते हैं, क्योंकि जो सरकारी स्कूल के स्कूल में है उनकी तनख्वाह तो बहुत ज़्यादा है, उतनी पढ़ाई होती नहीं। हमें हमारे यहाँ स्कूल है सरकारी, मैं रोज कष्ट जिस प्रकार ग्रामीणों को, सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम तो बना ही दिया गया है, वही सरकारी स्कूल सपा सरकार में खंडहर होते थे, आज वो कम से कम देखने लायक स्कूल बन गए हैं, कोई एक स्कूल बता दीजिए। आप जैसे भैया लोग बता रहे हैं, आपने प्रयागराज में देखा होगा बच्चों को इस तरह लाठी से पीट पीट के पुलिस वालों ने अंदर से निकाल, जो वहाँ वो छात्र रहे थे, गुंडा थे वो, छात्र नहीं थे वो, छात्र वो सुट्टा लगाने वाले साथ छात्र जो रोड के किनारे बैठ के गांजा फूंकते हैं, वो आप आरोप लगा रहे लोग कि छात्र। यहाँ पे इतने लोग हैं, आप बता दीजिए कोई भी सरकारी नौकरी करता हो तो 5 साल में कोई भी सरकारी नौकरी पाया यहाँ पर? आप देख सकते हैं ये सपा गवर्नमेंट में लेखपाल थे, ये लेखपाल थे तो सपा गवर्नमेंट में। और ये भैया कुछ कह रहे हैं आप, क्या अब की सपा की सरकार आएगी भाई साहब? क्या कारण है? इसलिए कि सब लोग सहयोग दे रहे हैं। जय श्री राम। तो ये ग्रामीण है, देखे ग्रामीण है जिनके बीच लगातार देखा जा रहा आरोप और प्रत्यारोप का, ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सपा सरकार में काम नहीं हुआ, और कुछ लोगों का आरोप है कि बीजेपी सरकार में काम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो सरकार से खुश भी है और कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने वाली है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 10 मार्च को आखिर किसकी सरकार बनती है और ये लोग जीत का सहरा किसके सर पर होता है, ये आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।